Namaskar, Dr. Sasangis from Dr. Sasangis Clinic. Friends, today I'm going to speak to you about a topic that is called blood pressure, hypertension. मैं आज आपको ब्लड प्रेशर या उक्त रक्तचाप के ऊपर बात करूंगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 90% जो मेडिकल इश्यूज यंग पीपल में आ रहे हैं वो ब्लड प्रेशर संबंधित हैं, और कभी कभी ब्लड प्रेशर संबंधित एडवाइजेस इस हद तक मेडिकली दी जाती हैं कि पेशेंट्स भी उनको लेकर काफ़ी सचेत हो जाते हैं, ओवर कॉशियस हो जाते हैं, कभी कभी उनके अंदर फियर भी पैदा होता है। देखिए, सभी ब्लड प्रेशर्स हार्ट अटैक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर वाकई में ब्लड प्रेशर है कि नहीं, कुछ लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। क्या आपका ब्लड प्रेशर आपको खत्म कर सकता है, आपको नुकसान कर रहा है, आपकी किडनी, आंखें और लिवर और दूसरे एरियाज को खराब कर रहा है, ये जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको इस मामले में कंप्लीट जानकारी देगा और बताएगा कि आपको कब किस तरीके के नेचुरल एक्शन लेना चाहिए, कब तक आप उसको होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन करवा सकते हैं, क्या उसके लिए एलोपैथिक या कार्डियोलॉजी की ड्रग्स अत्यंत आवश्यक हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लेआउट दूंगा जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से निकला। मैंने ऐसे टॉपिक्स जो कि स्किन, बाल और त्वचा सुंदरता से संबंधित, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो इम्यून, अर्थराइटिस, इनसे संबंधित मैंने काफी वीडियोस दिए हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने रखूं जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग सजेशंस हैं, अलग अलग मापदंड है और मेडिकल साइंस के थॉट प्रोसेस अब सेल्फ चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस थे जो पहले सही थे, आज की डेट में उनको नकारा जा रहा है या चेंज किया जा रहा है। तो आपको क्या समझना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर से संबंधित, जिसको हम कहते हैं रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। मित्रों देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होने से बीमारियां नहीं होती हैं, रिस्क होता है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आपको बीमारी हो जाएगी, फिर आपको अवश्य संभावी मतलब श्योर शॉट आपको डॉक्टर दवाइयां चला देता है। जब आपको दवाइयां चला देता है तो डेफिनेटली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स तो श्योर शॉट होंगे, क्या उनसे संबंधित फायदे उनके नुकसान की तुलना में बेहतर है कि नहीं, इसके लिए मेडिकल साइंस रिसर्च वर्क करती है, उसमें आपका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस बार सोचा कि मेरे पास पिछले 20 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो कि स्वस्थ थे, हेल्दी हैबिट्स थी, थोड़ा सा बीपी उनका हाई था और डॉक्टर ने उनको पिछले कई सालों से काफी दवाइयां चला दी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें जरूर बात करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सभी ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको कोई रिस्क नहीं होता है, रिस्क तो हमें यह देखना चाहिए कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या आदतें रखनी चाहिए। देखिए, हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा है कि माइंड शुड बी वेरी क्लीन एंड शुड बी वेरी हेल्दी। ये नेचुरली जब बर्थ लेते हैं तो 99% शिशुओं में या बच्चों का माइंड क्लियर होता है, उनको नहीं पता है, ओपन स्लेट होती है। समय के साथ हम अलग अलग थॉट प्रोसेस, डिप्रेशन और अलग अलग नजरिए डेवलप करते हैं जो कि हमारे बीमारियों की जननी होती है। दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग। क्योंकि मैं होलिस्टिक हीलिंग नंबर वन क्लिनिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने माइंड का पार्ट लिया। दूसरा होता है फिजिकल। जब हम अपने बॉडी को की केयर नहीं करते, पेट निकल रहा है, एज के साथ साथ हमारा वजन बढ़ने लगता है, हमारी मसल्स के लिए हम कसरत रेगुलर नहीं करते, योगा अभ्यास नहीं करते अपने माइंड बॉडी के तालमेल के लिए, तो शरीर के विकार डेवलप होते हैं जो कि बीमारियों को जन्म देते हैं। सो फ्रेंड्स, रक्तचाप ज्यादा होना बीमारी नहीं है, ये अपने में साइन है। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये हमें देखना जरूरी होता है कि क्या ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल तरीके से डेवलप रहा है बहुत सालों से, क्या ये हाल में डेवलप हुआ है। अगर ये हमें पता चल जाए तो ये पता चल जाना चाहता है कि आपका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए कि नहीं। इसको बिना पता किए भी डॉक्टर्स लगातार ट्रीटमेंट पेशेंट को डाल देते हैं सिर्फ रिस्क फैक्टर के नाम पे। तो देखिए, रिस्क फैक्टर बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर के। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहे और कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाया, पहले ऐसा नहीं था और उस बड़े ब्लड प्रेशर के आपके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे आपको कान में आपको आवाजें आ रही हैं, आपकी आपको कभी कभी आंखें रेड हो जाती हैं, नोज की ब्लीडिंग होती है, हेडेक्स आपको लगातार रहते हैं और आप छोटी छोटी बातों में काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, और इसके अलावा सांस फूलने की दिक्कत हो, पेशेंट सिगरेट, तंबाकू पान और शराब पीने का आदि हो, तो ऐसे सब स्थितियों में इनका ट्रीटमेंट और इनको डॉक्टर की नज़र के अंतर्गत रहना बहुत आवश्यक है।
लेकिन फ्रेंड्स ऐसे सभी केसेस नहीं होते हैं, ये मुश्किल से 100 में से 30% पेशेंट में ये चीज पाई जाती है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में 100% पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो 100% पेशेंट की ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होने पे उनका उपचार होता है। तो दोस्तों इसके उपचार की ऐसी आवश्यकता नहीं है अनलेस डॉक्टर इन बातों को फाइंड आउट कर रहा है कि वाकई में आप रिस्क फैक्टर आपके साथ है कि नहीं। अदरवाइज ड्रग्स खाने से और उनके एसोसिएटेड लैक ऑफ कंट्रोल पैरामीटर्स जो आपकी लाइफ स्टाइल की, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ ड्रग्स खाए, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके बीमारी की तरफ और तेजी से जाते हैं। सो सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्लड प्रेशर में कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नमक से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अगर हमें पता चल गया ये नेचुरल तरीका है ठीक होने का, उनको पोटेशियम से जुड़े हुए सॉल्ट्स खाना चाहिए। दूसरा, अगर उनकी वेस्ट लाइन, उनकी कमर, उनकी तोंद, उनका पेट ओबीस है तो उसको थोड़ा कम करने पे ब्लड प्रेशर कम होता पाया गया है। वजन अगर आपका एक्सेस है तो वो पैरामीटर क्लियर होते हैं, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहिए, जिसको माइंड बॉडी हीलिंग के तहत मैं बदलाव करता हूँ। अगर ये चीज़ अच्छे ढंग से हो जाए तो पेशेंट काफ़ी हद तक वेल मैनेज्ड होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि भाई आपको बीमारी है तो आपके साथ रिस्क फैक्टर है कि नहीं, इसका असेसमेंट, माइंड बॉडी हीलिंग का असेसमेंट, और इसके अलावा जो टारगेट ऑर्गन डिजीज है, बाकी ऑर्गन डिजीज में है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करना, उसको डायग्नोस करना। अगर उसको डायग्नोस कर दिया गया तो आपका होम्योपैथी, आयुर्वेदा या एलोपैथी किसी में भी अच्छे ढंग से इलाज किया जा सकता है। ये मिथ्या है कि होम्योपैथी में इलाज नहीं होता है या आयुर्वेदा में नहीं होता है, हर सिस्टम में इसका इलाज उपलब्ध है। ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट और डॉक्टर मिलकर किस तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल तय करते हैं, डॉक्टर किस हद तक पेशेंट से इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हो कि दिन में डॉक्टर 50 पेशेंट देख रहा हो, एक के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हो, तो वो कहीं भी आपको लेकर नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ओके। इस बार आपको मैंने कुछ बेसिक पार्ट्स बताए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल ट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपको जरूर जानकारी देगा। इसको आप 3-4 बार सुनेगा, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगा। इस बार के लिए इतना काफी है, आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑल द बेस्ट।